और वो पहले पंच प्यारों में गुजरात का भी नाम बना था। और इसलिए हम गुजरात का पंजाब के साथ एक खून का रिश्ता बना हुआ है, एक आदर्शों का रिश्ता बना हुआ है, एक वीर बलिदानी परंपरा की भक्ति का रिश्ता बना हुआ है। इतना ही नहीं, मुझे आज इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि जब गुरु नानक देव गुजरात पधारे थे और लखपत के गुरुद्वारे में कच्छ में आज भी गुरु नानक देव की पादुकाओं को संभाल के रखा गया है। मेरे पंजाब के बहुत कम लोगों को पता होगा कि लखपत का वो गुरुद्वारा जिसके साथ गुरु नानक देव की स्मृतियां जुड़ी हुई है, वो सिंध जाने से पहले लंबे अरसे तक लखपत के में रुके थे। भूकंप में ये हमारा गुरुद्वारा नष्ट हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और भूकंप के बाद मुझे वहां मुख्यमंत्री जाने काम के नाते जाने का जिम्मा मिला। और जैसे अभी सुखबीर जी बता रहे थे, मैं इसी धरती पर काम कर रहा था और यहीं से मुझे नया दायित्व आया था और इसलिए यहां का दायित्व छोड़ करके वहां गया था। जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में वहां गया और सबसे पहले मैंने कच्छ के भूकंप पीड़ितों की सेवा का काम आरंभ किया और तब जाकर के लखपत में ये गुरुद्वारे की दुर्दशा देखी। भूकंप के कारण वो टूट चुका था। भाइयों बहनों, हमने इस विषय के जानकार लोगों को बुलाया और मन में ठान ली कि ये पूरी मानव जात की एक अनमोल विरासत है, ये सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, ये गुरु नानक देव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। हम दोबारा वैसा ही गुरुद्वारा बनाएंगे। जिस प्रकार का आर्किटेक्चर था, जिस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया गया था, जिस प्रकार से हर काम को बारीकी से सदियों पहले किया गया था, वैसा ही किया जाएगा। इसके लिए हमने गुजरात बाहर से एक्सपर्ट बुलाए, उस समय की उस प्रकार की मिट्टी कैसे प्राप्त हो सकती उसका संशोधन किया और भाइयों बहनों, वैसा ही गुरुद्वारा हमने पुनर्निर्माण किया और आज उसको दुनिया की विरासत के अंदर स्थान मिला है। एक ग्लोबल हेरिटेज के रूप में उसको माना जाता है। बोले सो निहाल। भाइयों बहनों, मेरा कच्छ ये तो रेगिस्तान रहा है, बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। वो दिन थे, लेकिन यही पंजाब से मेरे किसान भाई बहन उस लखपत के इलाके में आकर के बसे और आज भी उन मेरे कच्छ पंजाब से आए हुए सिख किसान भाइयों बहनों की पुरुषार्थ से पाकिस्तान की सीमा का वो मेरा इलाका आज हरा भरा बन गया है। पूरी हरियाली है, वहां खेत लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए हमारे सिख भाइयों बहनों को
गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस पवित्र धरती से आवाहन करता हूं, घोषणा करता हूं, भाइयों बहनों, गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार हर हिंदुस्तानी का है, हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। भाइयों बहनों, बादल साहब हमारे यहां कृषि महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आए थे और कच्छ के अंदर किसान जो है हमारे सरदार, वो सारे सिख किसान बादल साहब से मिलने आए थे। उन्होंने हर एक के साथ व्यक्तिगत बात की थी और भाइयों बहनों, वो जूट का पुलिंदा जो चल रहा था उसकी हवा निकल गई थी। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कच्छ की धरती पर और गुजरात की धरती पर खेती के काम में लगा हुआ मेरा कोई भी सिख भाई, उसको कभी भी गुजरात छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अफसर गलती करेगा वो अफसर जाएगा, लेकिन मेरा सिख किसान गुजरात से नहीं जाएगा, ये मैंने पहले से तय किया है और आज मैं दोबारा उसकी घोषणा करता हूं। भाइयों बहनों, झूठ फैलाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, देश की एकता को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, हर जाति के, हर कौम के, हर पहनवेश के, हर भाषा के लोग ये हिंदुस्तान बनाते हैं। और इसलिए आज से तू हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, ये देश एक है, यहां का जन जन एक है और यहां के जन जन का अधिकार हर भूमि के क्षेत्र पर है, इस भाव को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। भाइयों बहनों, आज भी विश्व भर में दो समाज फैले हुए हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, आपको वहां हमारा सिख परिवार मिलेगा और साथ साथ कोई न कोई गुजराती परिवार भी मिलेगा। पूरे विश्व में गुजराती और सिख कंधे से कंधा मिलाकर के रह रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर विकास और प्रगति की राह पर चल रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, पंजाब की धरती पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये सरकार चलाने के लिए का कारोबार नहीं है। भाइयों बहनों, पंजाब की धरती पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का यह गठबंधन यहां की सामाजिक एकता का भी गठबंधन है। हिंदू और सिख की एकता का प्रतीक है। और कांग्रेस को यही तो परेशानी है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के कारण बांटो और राज करो, ये जो कांग्रेस के खेल चलते रहे हैं, ये खेल पंजाब की धरती पर पूरी तरह प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में विफल गए हैं। ये एकता हमने प्रस्थापित की है,
ये एकता का प्रतीक है। भाइयों बहनों, मैं पंजाब की जनता को एक विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब में सालों से एक परंपरा रही कि 5 साल कांग्रेस की सरकार और बाद में 5 साल हमारी सरकार, और लोग ये मान के ही चलते थे कि हर 5 साल के बाद बदलाव आता है। लेकिन पंजाब की जनता ने प्रकाश सिंह बादल में भरोसा किया, विकास की राजनीति में भरोसा किया, विकास के महत्व को स्वीकार किया और उस परंपरा को तोड़ करके दूसरी बार यहां पर भाजपा और अकाली दल की सरकार बनाई। इसलिए आपने विकास को जो वोट दिया है, प्रगति में विश्वास किया है, इसके लिए मैं आज पंजाब की वीर भूमि में बहादुर मेरे किसान यहां के भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं उनका अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, पंजाब पंजाब तक सीमित नहीं है। पंजाबी खाना हो, पंजाबी गाना हो, आज पूरी हिंदुस्तान में छाया हुआ है। हमारे यहां गुजरात में भी शादी ब्याह में अब गुजराती डिश नहीं मिलती है, पंजाबी खाना ही परोसा जाता है। पंजाबी खाना, पंजाबी गाना और पंजाबी मन का मस्ती सा स्वभाव आज पूरे देश में छाया हुआ है। ये वीरों की भूमि है, बलिदान की भूमि है। और भाइयों बहनों, अभी बादल साहब ने लाला लाजपत राय जी को याद किया था, इसी जिले से जुड़े हुए थे, इसी भूमि से जुड़े हुए थे लाला जी, और लाला लाजपत राय जी के 150 वर्ष होने वाले हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास आजादी के लड़ने वाले मरने वाले लोग, कांग्रेस के दफ्तर में उनका नाम नहीं होता है, एक ही परिवार से सब जुड़ा हुआ है, उनको लाला लाजपत राय को याद करने की फुर्सत नहीं होती है, प्रकाश सिंह बादल को फुर्सत होती है। यही तो हमारी देश के प्रति, देश के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा की अभिव्यक्ति है। भाइयों बहनों, हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं हैरान हूं कांग्रेस के नेता आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और राजनीतिक दलों पर उंगली उठाने लगे हैं। आप पूरी एबीसीडी उठा लीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। A4 आदर्श घोटाला, B4 बोफोर्स घोटाला, C4 कोयला घोटाला, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। और वे लोग औरों पे उंगली उठाते हैं। भाइयों बहनों, जब राजीव गांधी देश में राज कर रहे थे, तब तो हिंदुस्तान में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की पार्टी का राज था, वे ही चारों तरफ छाए हुए थे और किसी दल को कहीं कुछ नसीब नहीं हुआ था। ऊपर से नीचे तक कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई थी। और तब राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि दिल्ली से रुपया निकलता है,
गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिसता था और रुपया 15 पैसे में पलट जाता था? वो कौन सा पंजा था? भाइयों बहनों, मेरा यह सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं सालों तक संगठन का काम करता था। शासन क्या होता है, सरकार क्या होती है, सरकारी कारोबार क्या होता है, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। लेकिन पार्टी के प्रभारी के रूप में मैं हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर इस इलाके में काम करने लगा। बादल साहब को निकट से काम करते देखा, उनके एक साथी के रूप में यहां काम करता था। शासन वो कैसे चलाते थे, लोगों से कैसे मिलते हैं, प्यार से कैसा कारोबार चलाते हैं, अफसरों का भी कैसा आदर करते हैं, ये चीजें मैंने बारीकाई से देखना शुरू किया। हिमाचल में शांता कुमार जी को देखा, धूमल जी को देखा, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी को देखा, चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया। अरे इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी के साथ भी काम किया। इस इलाके के सभी सरकारों को उस समय मुझे बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि कभी ऐसा काम मेरे जिम्मे भी आ जाएगा। लेकिन यहां से मैं जो सीख करके गया था, बादल साहब जैसे वरिष्ठ नेताओं से जो सीखने की मेरी कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, वो मुझे गुजरात में जाकर के सरकार चलाने में बहुत काम आई है। और एक प्रकार से इन बड़ों के साथ रहते रहते, उनकी उंगली पकड़ करके चलते चलते, हमने शासन में रहते हुए समाज सेवा के संस्कार पाए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, यहीं से मैंने जो शिक्षा दीक्षा पाई है, त्यागी बलिदानी गुरु परंपरा से जो शिक्षा दीक्षा पाई है, और अब जो दायित्व मिला है, तो भाइयों बहनों, मैं भी एक सिपाही हूं, सिपाही। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं दिल्ली में, आप मुझे जो जिम्मेवारी देंगे, वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूंगा, मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। देश की तिजोरी में गरीब का पैसा होता है, देश की तिजोरी का पैसा गरीब के कल्याण के लिए काम आता है। और भाइयों बहनों, आज इस गुरु परंपरा की महान भूमि में मुझे पगड़ी पहनाई गई है, बादल साहब ने पगड़ी पहनाई है। भाइयों बहनों, अब मेरा दायित्व तो बन जाता है इस पगड़ी की इज्जत बढ़ाना, ये पगड़ी की इज्जत बढ़ाना ये मेरा दायित्व बन जाता है। किसी और ने बढ़ाई और न बढ़ाई हो, मैं बढ़ा करके रहूंगा, ये वादा करता हूं प्रकाश कुमारों से। मैं वादा करता हूं आपको, मैं उस त्याग तपस्या की परंपरा को निभाऊंगा। मेरे पंजाब के भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया है, वैसा ही देश फलेगा फूलेगा, गांव का किसान सुखी होगा। भाइयों बहनों, पंजाब में एक बड़ा अद्भुत संयोजन हुआ है,
और मैं मानता हूं ये मॉडल बहुत बढ़िया है। बादल साहब जीवन भर अगर 10 मिनट बात करो तो 10 बार किसान बोलते हैं, 10 बार किसान आएगा ही आएगा उनके मुंह से। उनके दिल दिमाग में गांव गरीब किसान यह हमेशा रहता है। ये बढ़िया जोड़ी बनी है कि सुखबीर जी के दिमाग में आधुनिक भारत रहता है, उद्योग रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, अर्बन डेवलपमेंट रहता है। भाइयों बहनों, बड़े बादल साहब का किसान और गांव की चिंता और छोटे बादल साहब का आधुनिक पंजाब का निर्माण, ये ऐसी जोड़ी बनी है। ये जोड़ी आने वाले दिनों में पंजाब को, हिंदुस्तान को ड्राइव करने की ताकत बना देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है भाई। बोलो निहाल। और इसी सोच का परिणाम है कि अभी यहीं पर देश भर के उद्योगपतियों को बुला करके एक सफलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट का प्रयास किया गया। कल तक किसानी में लगे हुए लोगों को एक नया और ये नौजवानों के लिए आशा का किरण बनेगा। तो दूसरी तरफ एक बहुत ही उत्तम प्रकार का किसान मेला लगा करके हमारी कृषि आधुनिक कैसे बने, उसकी चिंता भी बड़े बादल साहब ने की। भाइयों बहनों, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, तीन बातों पर हमें बल देना होगा। और अगर हम एक में भी उदासीनता बरतेंगे तो कभी न कभी मुसीबतें झेलते रहेंगे। और इसलिए हमें देश के आर्थिक विकास के लिए तीन पिलर के ऊपर हमारी अर्थरचना तो विकसित करना होगा। एक तिहाई ताकत हमारी कृषि की हो, एक तिहाई हमारी ताकत मैन्युफैक्चरिंग की हो और एक तिहाई हमारी ताकत सर्विस सेक्टर की हो। इन तीनों के बलबूते पर हमें हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। उद्योग भी चाहिए ताकि नौजवान को रोजगार मिले, कृषि भी चाहिए ताकि हिंदुस्तान कभी भूखा न रहे, गांव कभी बर्बाद न हो। और भाइयों बहनों, कम से कम पूंजी निवेश से अधिक कमाई वाला क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, उसमें भी विशेष करके है टूरिज्म। टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, टूरिज्म के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया में $3 ट्रिलियन का व्यापार अकेले टूरिज्म में इंतजार कर रहा है। पूरे विश्व को आकर्षित करने की ताकत हिंदुस्तान में है। हमारे पास ऐसी विरासत है, जगत जब उसे देखता है तो चौंक जाता है। लेकिन हम उस क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश में आर्थिक विकास को इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ाना होगा। लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो भाइयों बहनों, कुछ मूलभूत बातों पर बल देने की आवश्यकता हुई है। अब जमीन बढ़ने वाली नहीं है, ऊपर से जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो जमीन के टुकड़े छोटे हो जाएंगे। पहले अगर दो भाई के पास 20 एकड़ भूमि है तो चार भाई हो गए तो 5-5 एकड़ हो जाएगी। और इसलिए हम लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रति एकड़ हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े। अगर आज हम एक एकड़ भूमि में 100 किलो अनाज पैदा करते हैं तो 150 कैसे हो, 200 कैसे हो। इसलिए हमारी कृषि में टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है।
आधुनिक विज्ञान को लाने की जरूरत है। और बादल साहब ने अभी जो कृषि मेला लगाया था वो उसी दिशा का एक उत्तम प्रयास था, ताकि हम हमारी कृषि को आधुनिक बना पाए, टेक्नोलॉजी को हम लाएं। उसी प्रकार से कृषि के साथ मूल्य वृद्धि अब जरूरी हो गई है। अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। उसके पास जो है उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो टमाटर बेचेगा तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर टमाटर का केचप बना करके बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर केचप भी बढ़िया बॉटल में पैक करके बेचेगा तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर वो बॉटल कोई नट्टी हाथ में पकड़ के खड़ी होगी तो शायद और ज्यादा पैसा मिलेगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, भाइयों बहनों, मूल्य वृद्धि, हमारा किसान जो उत्पादन करता है उस पर मूल्य वृद्धि पर भारत सरकार ने, राज्यों ने एक बहुत बढ़िया ताकत देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित तो करती है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक सीमित हो जाता है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम हमारे किसान का भला करना चाहते हैं, अगर हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहते, हमारे किसान को बर्बाद होने नहीं देना चाहते, तो भारत सरकार का जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके तीन हिस्से करना बहुत जरूरी लगता है मुझे। इसी प्रकार से एफसीआई चलेगा तो मैं नहीं मानता हूं मेरे देश के किसान का भला होगा, न ही मेरे किसान ने जो पसीना बहाया है वो पसीना काम आएगा। हम देखते हैं किसान इतनी मेहनत करके गेहूं पैदा करे और वो गेहूं पानी में भीगता रहे, सड़ता रहे, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को उसकी व्यवस्था करने की फुर्सत नहीं है। और बाद में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं गरीबों को बेच दो, बांट दो। ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते, दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। उन्होंने न बांटा न बेचा और क्या किया, वो सड़े हुए गेहूं ज्यादा सड़ने दिए और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसों के दाम से बेच मारे। भाइयों बहनों, ये किसान की मेहनत का अपमान है। और इसलिए मैं कहता हूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके तीन हिस्से करना जरूरी है। एक में एक के पास जिम्मेवारी हो प्रोक्योरमेंट की, किसानों से खरीदने का जिम्मा उसका हो, उतना ही काम उसका हो और वो उसी पर फोकस करे, मेहनत करे और किसी न किसानों से ज्यादा प्रोक्योर करने की व्यवस्था करे, ताकि किसान को बाजार में कम दाम से अपना माल बेचने की नौबत ना आए।